friends, my name is Ridhima Sutija and I am in class 5 and I have created this interactive picture. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंटरैक्टिव पिक्चर बनाने वाले हैं. और इंटरैक्टिव पिक्चर में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम कप बना सकते हैं, हम डोर बना सकते हैं, कबोर्ड बना सकते हैं, और हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. और हम जब उन पर क्लिक करें तो वो मूव हों, ओपन हों, तो वैसे वो इंटरैक्टिव बन जाए. तो वैसे हम इंटरैक्टिव पिक्चर बनाने वाले हैं. और हमें उससे उसके लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड बनाना था, और जो कि मैं बैकग्राउंड बना चुकी हूँ. आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू. तो पर इसमें सारी जो स्प्राइट्स होंगी वो हम खुद बनाएंगे. तो हम पहले टेबल बनाएंगे. तो टेबल के लिए पहले हम लाइंस पर जाएंगे और हम ब्राउन कलर चूज़ कर लेंगे, ये ब्राउन. ओके, तो जब हमने ब्राउन कलर यूज़ कर लिया है, आप थिकनेस अपने हिसाब से आप कर सकते हो. थिकनेस आपको जितनी ठीक लग रही है आप उतनी थिकनेस कर सकते हो. मैं अपनी थिकनेस 20 रखूँगी. तो मैं अपनी थिकनेस 20 रखूंगी ऐसे. फिर हम यहाँ एक लाइन बनाएंगे, फिर हम यहाँ एक लाइन बनाएंगे, ये थोड़ी सी छोटी, उससे हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे. तो ये हमारी टेबल बन गई. और इसको अब हमें फिल करना है, तो हम लाइंस ही यूज़ करेंगे फिल करने के लिए. एजेस में, एजेस में हम लाइंस यूज़ कर रहे हैं ताकि मतलब वो लाइन स्ट्रेट होती हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी और वो एजेस के बाहर नहीं जाएंगी. तो इसलिए हम मोस्टली एजेस में लाइंस यूज़ कर रहे हैं. अब जब हमारे एजेस हो गए हैं तो हम कलर में जाकर ये वाली आइकॉन चूज़ करेंगे. हम यहाँ जो पेंट ब्रश बना हुआ है उस पर जाएंगे, हम फिल पर क्लिक करेंगे और ये वाली आइकॉन को हम क्लिक कर देंगे. उसके बाद हम इसको अपनी टेबल पर लाएंगे. यहाँ पर जब इसके जो सर्कल की जो आउटलाइन है वो ब्राउन या फिर आप कोई भी कलर जो टेबल का करे वो कलर की हो जाए, तो आप उस क्लिक कर दो और आप थिकनेस बढ़ा दो जितनी आपको अच्छी लगती है, और उसके बाद आप कलर कर दो इसके अंदर. नाउ आपकी मर्जी, आप पूरी पूरा जो टेबल है वो भी आप लाइन से कर सकते हो, बट मैं इससे कर रही हूँ जब मेरी एजेस हो गए हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा क्विक हो जाता है उससे, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ. और जब हमारी टेबल का इनसाइड हो गया, अब हम उसकी आउटसाइड बनाएंगे. तो मतलब हमारा जो इनसाइड उसका फिल हो गया है, तो हम लेग्स थोड़ी ना भूल सकते हैं, उसके बिना टेबल खड़ी कैसे होगी. तो इसलिए हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और ब्राउन को ऐसे कर देंगे. और मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रिबल कर दूंगी, बट मैं इसको बाद में हटा दूंगी क्योंकि मुझे अभी लाइन में जो है वो कलर लेना है. हम दोबारा से इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, और जब उसकी आउटलाइन जो हमने कलर चूज़ किया है उसकी लेग्स के लिए जो हमारी टेबल है वो थोड़ा सा साइड में स्क्रिबल कर सकते हो, या फिर आपकी मर्जी आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी वे में. तो मैं ऐसे यहाँ पर वो कलर ले लूँगी और मैं बटन दबा दूँगी, और फिर हम उसकी लेग्स बनाएंगे. नाउ मैं यहीं से उसकी लेग्स बना दूंगी, एक यहीं से, बिकॉज वो मतलब थोड़ा सा कम. मैं उसको दोबारा से मैं उसको कवर कर दूंगी सेम कलर से, बट अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको ऐसी ऐसा लगता है कि जैसे हम टेबल को एक नीचे से देख रहे हैं, है ना. तो मतलब हम थोड़े से टेढ़े एंगल पर उसे नीचे से देख रहे हैं. और जब हमारा ये पार्ट हो चुका है, हम जाएंगे यहाँ पर, ये वाले आइकॉन क्लिक करेंगे और ये कर देंगे. नाउ जब हमारा ये हो चुका है, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं. मैं अभी फिल ट्राई कर रही हूँ,
तो मैं थोड़ी सी यहाँ एजेस पर थिकनेस रखूंगी। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अब मेरा कवर हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट। तो मैं इसको कर देती हूँ। तो इसमें हमारी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होंगी, बिकॉज सारी स्प्राइट्स हम खुद बना रहे हैं और हम बिल्कुल परफेक्ट किसी चीज़ भी में नहीं होते। तो हम सारे सारी स्प्राइट्स खुद बना रहे हैं, तो अगर छोटी सी गलती हो गई तो हम उसे ऑफ कोर्स दोबारा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं, और इससे हमारी ड्राइंग स्किल्स भी बढ़ते हैं कंप्यूटर में। मानो अगर आपको कोई और भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वो हमसे इजीली बन जाता है, क्योंकि हमारे जो ड्राइंग स्किल्स हैं वो अच्छे होते हैं स्क्रैच में। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो बस यहाँ से एक खींचूंगी बस, और फिर मैं थोड़ा सा इसका पार्ट रेज कर दूंगी जो यहाँ एज पर है, या फिर किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ओके, तो जब हमारी कलर, जब हमारी ये टेबल हो चुकी है, व्हिच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर बैकग्राउंड, हम उसे यहाँ रख देंगे एकदम यहाँ, है ना। जब हमारी ये टेबल हो गई है तो हम उसे यहाँ रख देंगे। और अब हम जो है हम कैबिनेट बनाएंगे। तो मैं अपनी टेबल थोड़ी सी छोटी कर दूंगी ना। इट इज टोटली अप टू यू, आपको कितना साइज रखना है। मैं अपना टेबल का साइज 80 रखूंगी यहाँ पर। और अब हम बनाएंगे कबर्ड। तो कबर्ड के लिए हमें, वो भी हम खुद बनाएंगे, और हमें जाना है लाइंस पर, थोड़ी सी इसको थिक कर देंगे, और हम एक स्क्वायर खींचेंगे। यहाँ एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, ओके। तो मुझे थोड़ी सी लाइन ये बड़ी करनी होगी, बड़ी। तो जब हमने ये बना लिया है, अगर हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं है तो हम हर किसी चीज़ को भी इसमें दोबारा कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और ये, अगर हमारा इसमें कुछ थोड़ा सा बहुत गलत भी हो जाता है तो हमें बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड वी कैन ऑलवेज करेक्ट इट इन ड्राइंग और एनीथिंग। सो वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड वी कैन करेक्ट इट। ओके, तो जब हमारा ये पार्ट हो गया है, अब हम जो अलमीरा है, जो बेसिक डोज हैं उसके, वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं एक स्किनिश थोड़ा सा से लाइट कलर यूज़ करूँगी, जैसे ये कलर मुझे ठीक लग रहा है। तो मैं थोड़ी सी इसको लो कर दूँगी और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ ड्रॉ कर से। अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ
तो हम यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे। हम एक इसके अंदर एक लाइटर कलर से स्क्वायर बनाएंगे। ऐसे उसके बाद हम लाइन लाइन खींचेंगे। ऐसे जब हमारा ये बन जाता है फिर हम सेम कलर चूज करेंगे। हम यहाँ पर जाएंगे और हम ये कलर चूज कर लेंगे दोबारा से और हम एकदम मिडल में इसके लाइन बनाएंगे बिल्कुल यहाँ, मतलब एकदम मिडल में। और अगर एकदम मिडिल में हम नहीं बना पाते हैं तो हम वैसे भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मिडिल में बनाने से थोड़ा सा अच्छा सा टच आ जाता है, मतलब वो थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगने लगता है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे मिडिल में बना पाए, बट अगर नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही कर सकते हैं। हम एक साइड वाला कैबिनेट भी बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें टू डोर्स बनाने हैं। वन डोर वाला भी बहुत सारे लोगों ने कैबिनेट्स देखे होंगे जिसमें ओनली वन डोर होता है बड़ा वाला, तो आप वो भी बना सकते हो। बट मैं अभी टू डोर्स वाला बना रही हूँ और वी विल ट्राई आर बेस्ट कि वो मिडिल में हम लाइन बनाएं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये मिडिल में ठीक है काफ़ी। और अब हम जाएंगे दोबारा से लाइंस में, हम ये वाला कलर चूज करेंगे और हम इसके अंदर लाइंस बनाएंगे। और अगर ये इक्वल नहीं है तो एक्चुअली ये बस मैं बॉर्डर्स फिल करने के लिए बना रही हूँ एक्चुअली, ताकि हम अंदर का जो है इजीली कर पाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारा वो ख़राब हो जाए, हमारा जो कलर है वो आउटसाइड चला जाए, हम वो तो नहीं चाहते। तो इसलिए मैं बस अभी थोड़ा सा ऐसे फिक्स कर दूँगी ऐसे, थोड़ा सा हमें बस इसे फिक्स करना है थोड़ा सा ऐसे। और अब हमें बस यहाँ यहाँ लाइंस बनानी है एक साइड पर, क्योंकि हमें मिडिल वाला पार्ट कवर नहीं करना है, हमें यहाँ यहाँ लाइंस बनानी है बिल्कुल एजेस पर। आप चाहें तो पूरा कलर कर सकते हो लाइन से, बट मैं सिर्फ एजेस कर रही हूँ कबर्ड के, ताकि जब मैं मेन एरिया करूं तो मेरे लिए इजी हो जाए। मैं यहाँ पर भी तो अब जो मेरा ये पार्ट हो गया है मैं फिल्म में जाऊंगी, ये और अब मैं इसे फिल कर दूंगी। तो अब जब हमने एक साइड जब हमने फिल कर दिया है, जब हमारी ये एक साइड फिल हो चुकी है, हम नेक्स्ट साइड करेंगे और हम हैंडल्स भी बनाएंगे। और कभी कभार टेढ़ा मेढ़ा भी बनता है, और अगर वो टेढ़ा मेढ़ा बनता है तो उसे टेढ़ा मेढ़ा रहने दीजिए, बिकॉज उससे थोड़ा सा कार्टूनिश लुक आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। स्क्रैच प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा कार्टूनिश अगर लुक आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है वो, और जब हम उसको पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बहुत सुंदर
लगता है। अब हम यहाँ पर हैंडल्स बना, तो हमारा कबर्ड बन गई है। अब हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे, बट इसमें एक डिफरेंट चीज होगी जो कि है, हम जो है यहाँ पर जाएंगे लाइंस में, हम ये वाला कलर चूज कर लेंगे और हम किसी भी एक साइड को एक यहाँ लाइन बनानी है, किसी भी एक साइड को हम कर सकते हैं ऐसे, फिर एक लाइन यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ, हम किसी कैसे भी कर सकते हैं उससे। और जब हमारा ये पार्ट हो जाए तो हम ये जो हमारी जो लाइन है, मतलब हम पूरा इसको डार्क कर देंगे ऐसे, है ना, फिर हम लाइन बनाएंगे यहाँ पर इस डार्क लाइन से स्टार्ट करेंगे, ये हम एजेस में थोड़ी सी थिन कर देते हैं, तो हम जो एक्स्ट्रा एरिया जो बचा है जो एक्स्ट्रा एरिया इसमें बचा है और जब हमारा ये पार्ट हो जाए, हम लाइन को थोड़ा सा ठीक कर देंगे और हम अंदर कलरिंग स्टार्ट कर देंगे। और बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये कबर्ड ओपन है, ये कबर्ड ओपन हो चुकी है, तो ये इसकी सेकंड कॉस्ट्यूम है। और सबसे पहले हम सारे की जो सारी स्प्राइट्स हैं वो बना लेंगे, उसके बाद हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। तो मैं फिल्म में जाऊंगी और मैं थोड़ा सा इसको लेस कर दूंगी, अब मैं फिल्म में जाकर ये कलर और जब हमारा ये पार्ट हो जाए, हम दोबारा से लाइंस पर जाकर हम थोड़ा सा इसे फिक्स कर देंगे। ऐसे। और फिर हम यूज बिल्कुल ब्लैक कर देंगे इसे। और यहाँ पर एक डॉट फिल्म में जाकर
हम पूरा ब्लैक कर देंगे और हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। तो ये शो कर रहा है कि कबर्ड ओपन है। और अब मैं यहाँ पर साइज इसका 90 कर दूँगी, थोड़ा सा छोटा, इसको यहाँ ओके। और नेक्स्ट हम जाएंगे, हम सर्च करेंगे गूगल पर क्यूट पपी पिक्चर्स। हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, हमें बस पिक्चर जो हम रखेंगे, जो फोटो फ्रेम हम बनाएंगे उसके लिए हमें एक पिक्चर चाहिए। तो हम ये वाली पिक्चर ले लूँगी। मैं इसको पहले इस पर डबल क्लिक करूँगी, मैं इस पर राइट क्लिक कर इसको सेव इमेज एज कॉपी, मैं उसको सेव कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगी अपलोड स्प्राइट पर और मैं अभी यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उसको अटैच कर दूँगी। जो इमेज है मैं इसको बहुत मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, 20 साइज करना पड़ेगा मुझे और मे बी 30 वो 30 साइज मुझे ठीक लग रहा है, हम इसका साइज 30 कर लेंगे। और इसको कॉस्ट्यूम्स पर जाकर यहाँ पर हम लाइंस में जाएंगे और हम आउटलाइन में ब्राउन कलर चूज कर लेंगे, एक ऐसा ब्राउन कलर। और अब हम इसमें यहाँ बॉर्डर्स पर लाइंस बनाएंगे, मैं इस लाइंस को थोड़ा सा थिक कर लूँगी। और ये हमारा फोटो फ्रेम रेडी हो गया। अब हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे, हम यहाँ पर जो एरो बना हुआ है, पॉइंटर बना हुआ है, उस पर जाएंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। ऐसे। और अब हम इंस्ट्रक्शंस और जब हम इंस्ट्रक्शंस अभी हमारे हम एंड में देंगे। अभी हमें एक और स्प्राइट बनानी है विच इज़ अ कॉफ़ी मग। तो हम दोबारा से जाएंगे पेंट स्प्राइट पर, फिर हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ करूँगी कलर ग्रे। तो मैं यहाँ मैं जाऊँगी मैं ग्रे कलर चूज़ करूँ। और जब हमारा ग्रे कलर चूज हो जाए तो हम इतना मेरे ख्याल से 15 पर हम उसे रख देंगे। और हम एक लाइन बनाएंगे हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे फिर यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे फिर यहाँ। और मुझे बस इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना है।
यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम नीचे एक लाइन बनाएंगे, बाद हम यहाँ एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पर एक। और जब हमारा ये हो जाए हम इसको फिल कर देंगे यहाँ पर। के बाद हम थिकनेस कम करेंगे और हमें हैंडल बना। और अगर हैंडल परफेक्ट नहीं है तो उसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद हम इसको एकदम एकदम ब्राउन कर देंगे, हम थिकनेस बढ़ाएंगे थोड़ी सी और हम इसमें ऐसा शो करेंगे जैसे इसमें कुछ है, जैसे इसमें कॉफ़ी है, हम ऐसा शो करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट में, आपको हम कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं, मैं फॉन्ट चूज कर रही हूँ हैंडराइटिंग। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी कैपिटल में आई, मैं लिखूंगी, फिर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक, और यहाँ पर एक इमोजी का ऑप्शन आता है सबसे ऊपर, हम इमोजी पर जाएंगे सबसे ऊपर और हम हार्ट इमोजी चूज कर लेंगे। आप टाइप भी कर सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू, आप टाइप भी कर सकते हो बट मैं यहाँ वैसे करें। और हम इसका कलर ब्लैक कर देंगे और हम इसे यहाँ रख यहाँ, और हम इस कॉफी को यहाँ रख देंगे और हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, हम इरेजर पर जाएंगे और इसे इरेज करना है हमें पूरा। और हमें जो टेक्स्ट है इसे डिलीट, और फिर हम एक ग्रे कलर चूज करेंगे, हम एग्जैक्ट सेम करने की कोशिश करेंगे, हम पेंट में जाएंगे और उसके बाद ना ऐसे पीसेस बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस, हम इनका साइज छोटा कर देंगे, जैसे छोटे छोटे पीसेस, जैसे कॉफ़ी मग का मग जो है वो टूट गया हो। उसके बाद हम सर्कल में जाएंगे, हम एक ब्राउन कलर चूज करेंगे ऐसा, और हम एक पूरा ऐसे सर्कल बना देंगे जैसे पूरी कॉफ़ी गिर गई हो जो उसमें थी, ऐसे करके। और जब और हम अब हमारी पूरी स्प्राइट्स बन चुकी हैं, तो हमने टोटल इसमें 4 स्प्राइट्स बनाई। और अब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो स्टेज में सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और हम जाएंगे साउंड्स में, हम सर्च करेंगे और हम जाएंगे नोट्स में या फिर लूप्स में, आप कोई भी कर सकते हो। मैं यहाँ डांस मैजिक का जो जो म्यूजिक पीस है, जो थोड़ा सा हमने म्यूजिक डाला है, वो मैं चूज कर लूंगी यहाँ बैकग्राउंड में, और मैं जाऊंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी साउंड में और मैं चूज करूंगी प्ले साउंड डांस मैजिक अंटिल डन। और जब मैं फ्लैग क्लिक करूंगी तो ये
वो म्यूजिक पीस प्ले करेगा, म्यूजिक प्ले करेगा। और मैं स्टार्ट साउंड डांस मैजिक इसलिए नहीं कर रही, अगर मैं वो फॉरएवर में डालूंगी तो वो फुल म्यूजिक पीस लेगा, उसमें वो छोटी छोटी साउंड्स निकालेगा और उसको बार बार रिपीट करता रहेगा। मतलब वो पूरा प्ले अनटिल डन का मतलब है कि वो पूरा प्ले करे अनटिल डन, वो प्ले करे अनटिल डन, उसके बाद वो दोबारा जाए। अगर मैं ये नॉर्मल कर दूंगी, अनटिल डन नहीं लूंगी, तो ये ऐसी साउंड आएगी, बहुत सारे डॉट्स की साउंड आएगी। तो मुझे चाहिए प्ले साउंड डांस मैजिक अनटिल डन, और मैं इसको फॉरएवर वाले ब्लॉक में डाल दूंगी। तो ये हमारे बैकग्राउंड के इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब हम जाएंगे इसकी, तो इस वाली स्प्राइट पर, और हम इस स्प्राइट को यहाँ रख देंगे। इसकी पोजीशन है ये, तो हम इवेंट्स में जाएंगे, वन फ्लैग क्लिक, गो टू 263x एंड -72y, हम इसको ये ले लेंगे यहाँ। तो वैसी पोजीशन पर चली जाएगी। अब हम करेंगे लुक्स में जाकर एंड स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम वन। तो इसकी कॉस्ट्यूम वन ये है, तो जब फ्लैग क्लिक हो तो ये इस कॉस्ट्यूम में चली जाए। उसके बाद जब हम जाएंगे इवेंट्स में और हम लेंगे व्हेन स्प्राइट क्लिक्ड, हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, स्विच कॉस्ट्यूम टू लुक। अब ये हो गई, हम इसको यहाँ पोजीशन पर डाल देंगे और हम यहाँ लुक्स मोशन में जाएंगे और हम लिखेंगे गो टू एक्स 288 एंड गो टू वाई 214। तो अब मैं फ्लैग क्लिक करूँगी, और अब मैं यहाँ इसको क्लिक करूँगी तो एक ग्लास ब्रेक हो गया। अब मुझे एक और इसमें चीज़ ऐड करनी है, जो कि है, मुझे इसमें साउंड ऐड करनी है। तो मैं साउंड्स में जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, मैं सर्च करूंगी ग्लास ब्रेकिंग साउंड, ग्लास ब्रेकिंग। तो ये ऐसी साउंड आएगी, तो मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगी इस पर, मैं साउंड्स में जाऊंगी, व्हेन स्प्राइट क्लिक प्ले साउंड ग्लास ब्रेकिंग। ये अभी मैं म्यूजिक थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आपको सुनाई दे, ग्लास टूट गया है और कॉफी गिर गई है। और हमें एक और इसमें डालना है, फिर कुछ कॉस्ट्यूम टू गो टू एक्स, जो हमने उसकी पोजीशन डाली है वो। हम जाएंगे वेट कंट्रोल में जाएंगे, वेट 2 seconds कर देंगे हम, वेट 2 to 3 seconds, आप कोई भी, आप कितने भी सेकेंड्स उसको वेट करवा सकते हो, मैं 3 seconds लूँगी। उसके बाद डुप्लीकेट कर स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम वन एंड गो टू जो उसकी पोजीशन थी। तो मैं आपको कप का दिखा देती हूँ, हमने इसको क्लिक करा, कप ब्रेक हो गया, उसके बाद वो 3 seconds वेट कर वहाँ से अपने आप वो जो नीचे था वहाँ से वो डिस्पॉन होकर दोबारा स्पॉन हो गया जहाँ पर वो होना चाहिए था। अब हम इस पर जाते हैं और इसमें कोई साउंड नहीं है, साउंड वाले में, तो हम इसको ऐसे कर देंगे साइलेंट। तो हम जाएंगे, हम ये दोनों ले लेंगे, व्हेन फ्लैग क्लिक एंड व्हेन स्प्राइट क्लिक। व्हेन फ्लैग क्लिक में हम डालेंगे स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम वन, तो ये इसकी कॉस्ट्यूम वन है जो कि क्लोज है। व्हेन फ्लैग क्लिक स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम वन एंड व्हेन स्प्राइट क्लिक
डुप्लीकेट कर स्क्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम टू, एंड उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल में जाकर हम ले लेंगे वेट 3 सेकेंड्स. और उसके बाद हम कर देंगे डुप्लीकेट में जाकर स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम वन. अभी खुल गई है और 3 सेकेंड्स वेट कर कर ये वापस बंद हो जाएगी. और फिर उसके बाद हम देंगे पिक्चर फ्रेम को इंस्ट्रक्शंस. टेबल के ज़्यादा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उसके बस इतने इंस्ट्रक्शंस हैं कि व्हेन फ्लैग क्लिक्ड गो टू बैक लेयर. तो कभी कभार ऐसा ग्लिच हो जाता है कि जो जो टेबल है वो फ्रंट लेयर में आ जाएगी इसके ऐसे, बट जब फ्लैग क्लिक होगा तो वो वापस ऊपर आ जाएगी उसके. तो टेबल के इतने ही इंस्ट्रक्शंस हैं. अब हम जाएंगे पपी स्प्राइट पर, पपी फ्रेम वाली स्प्राइट पर. और हम इसको बहुत इजी कोड है इसके, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड स्विच कॉस्ट्यूम टू पपी पपी. ये इसकी कॉस्ट्यूम है जो जो सीधी है. तो बेसिकली जब हम टच करेंगे तो यहाँ जो है ये दो साइड पर यहाँ स्क्रूज लगे होते हैं हमेशा, तो एक साइड का स्क्रू वो निकल जाएगा और वो एक ही स्क्रू से लटकेगी, तो बेसिकली वो टेढ़ी हो जाएगी. वो दिखा रहे हैं स्विच कॉस्ट्यूम टू पपी. उसके बाद हम जाएंगे व्हेन स्प्राइट क्लिक्ड स्विच कॉस्ट्यूम टू पपी टू. हम फिर इसको डुप्लीकेट पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लेंगे वेट 3 सेकेंड्स के बाद स्विच कॉस्ट्यूम टू पपी. तो हमारा अभी हो चुका है, तो अब हम इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं एक बार. तो जब हम इसको क्लिक करेंगे वो टेढ़ी हो जाएगी, जब हम इसको क्लिक करेंगे वो टूट जाएगा ग्लास, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो अलमेरा ओपन हो जाएगी. तो अब हम इसके इंस्ट्रक्शंस जोड़ देते हैं और ये हमारी इंटरैक्टिव पिक्चर रेडी है.